आदाब ख़वातीनो हज़रात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मेरा नाम डॉक्टर यासीन मुहीउद्दीन है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट विरिंची हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज आप सब से मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिससे 30 लाख के करीब लोग हर साल दुनिया में फौत होते हैं, बट काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता है। इस बीमारी का नाम COPD है। COPD माने क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब पुरानी, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव माने सांस के नालियों में काफ़ी हद तक तनाव आ जाना, पल्मोनरी डिजीज़ लंग्स की बीमारी। ये बीमारी होने की सबसे बड़ी वजूहत सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग चाहे वो आप करते हों या पैसिव स्मोकिंग, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी 10-20% आपको चांस है कि आपको COPD हो सकता है। दूसरे वजूहात इसमें एक ये है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से भी COPD काफ़ी हद तक देखा गया है, ख़ास तौर पे हमारे दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ पर स्मॉग की शिकायत काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर काफ़ी लोगों को COPD की बीमारी होती है। इस बीमारी में शदीद खांसी, काफ़ी देर तक चलना, सांस की तकलीफ़, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कई लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते, जल्दी थक जाते हैं, थकावट होती है, और ऐसे स्टेज में किसी लोगों को एड़ियों पे सूजन आ जाना, ये भी इस बीमारी के अलामत है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो ये तकलीफ़ से आते हैं कि उनको शदीद खांसी होती है और खांसी बलगम के साथ होती है। कई कई बार ये सफ़ेद होता है या अगर इन्फेक्शन भी हो जाए तो ये बलगम पीला भी हो सकता है। ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लोग एज ग्रुप में ज़्यादा हैं उन्हीं में हो। ये ऐसे लोग जो 30-40 ईयर्स में हो बट वो अगर सिगरेट दिन में 2-3 पैक भी पीते हों, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के 4 स्टेजेस होते हैं और ये 4 स्टेजेस के बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 1, 2, 3, 4 आजकल ABCD क्लासिफिकेशन जो निकला है इसके बेसिस पे, उसमें पहले आपका लंग फंक्शन टेस्ट करना होता है, आपको साल में कितने बार इस दमे का अटैक हो रहा है उसके बेसिस पे इसका इलाज होता है। ए, बी और सी और डी स्टेज, 4 स्टेज जो COPD के होते हैं। ए स्टेज में हम ये देखते हैं कि साल में शायद आपको 1 या 2 उससे भी कम बार आपको इस COPD का अटैक आया हो, आपका लंग फंक्शन भी प्रिजर्व्ड हो यानी कि 80% से ज़्यादा हो, और आपको ज़्यादा उतने ज़्यादा इसमें चाहे खांसी की या सांस लेने की तकलीफ़ की कोई ऐसी शिकायत ना हो। तो ऐसे स्टेज में कई हद तक हमने ये देखा है कि अगर आप सिगरेट पीना रोक दें तो 4 से 5 साल में आपका लंग फंक्शन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा और आपको आगे जाके कोई भी किसी भी तरीके से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि बी और सी स्टेज में भी ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए शायद ज़्यादा वक्त लग जाए, 5 से 10 साल भी लग सकता है। जो डी स्टेज होता है इसमें, ये लास्ट स्टेज ऑफ COPD बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोगों को जैसे मैंने बताया पैर में, एड़ी में सूजन आने लगती है क्योंकि उनके हार्ट पर भी असर होता है, तो जिसके वजह से पैर में हर जगह उनको लंग्स में भी पानी आने की शिकायत होती है, इसी वजह से उनको शायद घर पे ऑक्सीजन लेना पड़े। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो काम उतनी आसानी से नहीं कर सकते और ये रिवर्सिबल नहीं है। ये स्टेज में ज़्यादातर जब राइट हार्ट फंक्शन, कोर पर्मिनल जिसे बोलते हैं, अगर ये अफेक्ट कर जाए तो उस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है क्योंकि आपके लंग्स काफ़ी कमज़ोर है, और ऐसे कमज़ोर लंग्स में अगर आपको निमोनिया होता है या कोई और इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू या कोविड भी अगर होता है तो आपके लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले ऐसे कोई चीज़, सिगरेट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और भी दूसरे स्मॉग वगैरह, ऐसे चीज़ से आप बचें, और जल्द से जल्द अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी तकलीफ़
जैसे खांसी हो गई या सांस की तकलीफ़ हो गई, इसको जल्द से जल्द तहकीकात कराएं, चाहे वो एक पल्मोनोलॉजिस्ट की शक्ल में हो या एक जनरल फिजिशियन की शक्ल में हो, और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से लें ताकि आगे जाके आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। कई लोगों को ये पता है कि दमा क्या है, अस्थमा क्या है, और कई लोग ये समझते हैं कि COPD और दमा एक ही बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। अस्थमा एक रिवर्सिबल डिजीज़ है, मानी के उसको काफ़ी हद तक 100% तक उसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन COPD ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपको COPD स्पेशली सेकेंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज आ जाए, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हाँ उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इलाज है उसका। और अस्थमा और COPD एक साथ भी किसी किसी को हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो पहले शायद उनको अस्थमा था, पर बाद में वो COPD के भी बीमारी उनको आ सकती है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट में 4 से 5 मुख्तलिफ ड्रग्स होते हैं, और काफ़ी नए नए आजकल सर्जिकल मेथड्स भी आए हैं, जिसका नाम लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी है, वो भी हम देख रहे हैं। बेसिक जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ले लो, उसमें आपको अल्फा बीटा एगोनिस्ट हो गया, मस्क्यूरैनिक एंटा एगोनिस्ट हो गया, और जब आप ज़्यादा स्टेज आपका थर्ड या फोर्थ स्टेज जैसा COPD आपको डिटेक्ट होता है, उसमें आपको फॉस्फोडाइस्टेरेट 4 इनहिबिटर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट, ये सब की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये बीमारी के लिए सबसे ज़रूरी है सिगरेट अगर आप पीते हैं, या आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन है या आजू बाजू लोग सिगरेट पीते हैं, तो उस चीज़ को रोकना, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट आपको सही तरीके से इसको रोकने में मदद करेगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पे हम बात करेंगे। इजाज़त, आदाब।